सीएम मोहन यादव कल यूपी के अमेठी और झारखंड की राजधानी रांची जाएंगे। सीएम मोहन यादव अमेठी में बीजेपी प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के नामांकन में शामिल होंगे। सीएम सुबह 10:15 बजे अमेठी के गौरीगंज पहुंचेंगे, जहां पहले वे रोड शो में शामिल होंगे और फिर स्मृति ईरानी के नामांकन में शामिल होंगे। अभी तक कांग्रेस अमेठी सीट पर अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान नहीं कर पाई है। शनिवार देर शाम कांग्रेस वर्किंग कमेटी की एक बैठक भी हुई थी, लेकिन उसमें भी रायबरेली और अमेठी सीट के प्रत्याशी के नाम पर मुहर नहीं लगी, यानी नाम का ऐलान अभी तक नहीं हो पाया है। दूसरी तरफ बीजेपी की कोशिश लगातार जारी है। सीएम मोहन यादव उत्तर प्रदेश के अमेठी और झारखंड की राजधानी रांची में जनसभाएं करने वाले हैं और स्मृति ईरानी के नामांकन में भी पहुंच रहे हैं। अमेठी के गौरीगंज कल सुबह 10:15 बजे के करीब का वक्त निर्धारित किया गया है। पहले रोड शो में शामिल होंगे सीएम मोहन यादव और फिर स्मृति ईरानी के नामांकन में शामिल होंगे। और अब सियासी गलियारे की इस खबर को आप बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं तो बड़ी बात यह होगी कि कांग्रेस की तरफ से कौन से उम्मीदवार के नाम का ऐलान होगा और टक्कर कैसी होगी, ये बेहद खास होगा। हमारे साथ सहयोगी अमृतांशी जोशी जुड़ी हुई हैं। अमृतांशी, मुख्यमंत्री का लगातार दौरा और खास ये है कि सीएम मोहन यादव स्मृति ईरानी के नामांकन में शामिल हो रहे हैं, दूसरी तरफ झारखंड की राजधानी रांची का भी कार्यक्रम है, जनसभाएं करेंगे, किस तरीके से इसे देखा जाए और फर्स्ट सेकेंड फेज बनाम थर्ड फेज को कैसे देखा जाए? देखिए, बीजेपी के जितने भी बड़े नेता होते हैं या बड़े चेहरे होते हैं, बीजेपी उनको किसी एक जगह तक सीमित नहीं रखती और शायद यही वजह है कि जगह जगह पर स्टार प्रचारक बनाए जाते हैं और बीजेपी के तमाम जो बड़े चेहरे हैं, जो बड़े नेता हैं, कई राज्यों के जो मुखिया हैं, वो सभी जगह प्रचार प्रसार पर पहुँचते हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री मोहन यादव इसके पहले भी यूपी बिहार के दौरे पर जरूर गए थे, लेकिन इस बार दोबारा सबसे हाई प्रोफाइल सीट पूरे हम कह सकते हैं उत्तर प्रदेश की नहीं बल्कि पूरे देश की अमेठी, जो कि लगातार चर्चाओं में रहती है। 2019 में स्मृति रानी ने यहाँ पर बीजेपी का सूखा खत्म किया था और ये हाई प्रोफाइल सीट हो जाती है। कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री मोहन यादव का अमेठी पहुंचना ये बताता है कि बीजेपी अपने तमाम उन बड़े चेहरे जो कि कहीं ना कहीं किन्हीं भी समीकरणों से जो है लोगों को साध सकते हैं, उनको अलग अलग जगहों पर प्रचार प्रसार के लिए भेज रहे। क्योंकि देखिए, मुख्यमंत्री मोहन यादव जो है इसके पहले भी यूपी पहुंचे थे, उन्होंने यादव समाज की बैठक ली और यहाँ पर कहीं ना कहीं यादव का वोट बैंक काफी ज्यादा है और अमेठी सबसे हाई प्रोफाइल सीट यूपी की हो जाती है। बीजेपी दमखम यहाँ पर लगा रही है, जो 2019 में जीत पाई थी वो कॉन्फिडेंस लेकर बीजेपी अब जो है यहाँ पर 2024 में भी और वो सीट जीतना चाहती है। तो ऐसे में स्मृति ईरानी का नामांकन और इस नामांकन को देखिए पूरे तरीके से एक शक्ति प्रदर्शन करने की यहाँ पर बीजेपी कोशिश कर रही है, जहाँ एक और अभी कांग्रेस जो है या फिर इंडी गठबंधन जो है वो अभी इस सोच में लगा हुआ है कि आखिर होगा कौन। लेकिन यहाँ पर बीजेपी, क्योंकि पहले ही यहाँ पर कैंडिडेट अनाउंस हो चुका स्मृति ईरानी जो कि मौजूदा सांसद हैं, वहाँ से दोबारा से यहीं पर मैदान में उतर रही हैं, तो यहाँ पर कांग्रेस को जो है हाँ एक तरीके से हम कह सकते हैं तो बीजेपी पीछे रखने के लिए पूरे दमखम लगा रही है। मुख्यमंत्री मोहन यादव पहुंचेंगे, वहां पर एक तरह संदेश देने की कोशिश की जाएगी जो भी जातिगत समीकरणों से और तमाम समीकरणों से जो है बीजेपी हमेशा लोगों को किसी भी समाज को या फिर जनता को साधती हुई नजर आई है। वहाँ पर नामांकन रैली होगी, रोड शो होगा, जिसमें जो है मुख्यमंत्री मोहन यादव पहुँचेंगे। देखिए, स्मृति ईरानी भी जब मध्य प्रदेश पहुँची थी, उन्होंने भी जो वो भी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा के नामांकन में दाखिल हुई थी, तब वो जमकर यहाँ पर जो है दूसरी पार्टियों पर गरजती बरसती हुई नजर आई थी। और कहीं ना कहीं जब मध्य प्रदेश का नेतृत्व वहाँ पर पहुँचेगा तो एक अलग संदेश जाएगा, क्योंकि दोनों सटे हुए राज्य हैं, काफ़ी ज़्यादा प्रभाव यहाँ एक दूसरे की राजनीति पर रहता है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की बात जाए, चाहे वो किन्हीं भी समीकरणों से देखा जाए तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री यहां पहुंचेंगे। झारखंड संभवतः मुख्यमंत्री का ये पहली बार दौरा है, जब मुख्यमंत्री बनने के बाद मोहन यादव झारखंड पहुंचने वाले हैं। यहां पर देखिए, वो बैठकें करते हुए नजर आएंगे, वहां पर उन्होंने जो है पत्रकार वार्ता भी बुलाई है। तो कहीं ना कहीं देखिए, बीजेपी अपने बड़े चेहरों को पूरे अलग अलग जगहों पर भेज रही है प्रचार में तमाम। मुख्यमंत्री मोहन यादव भले ही प्रदेश की हर सीट पर बार बार जा रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर जिम्मेदारी अन्य सीटों की भी है, बाहर की सीटों की भी है, बाहर कई प्रदेशों की भी है, जहां पर वो स्टार प्रचारक बनाए गए हैं। और बतौर स्टार प्रचारक मुख्यमंत्री दमखम के साथ सभी जगह प्रचार और रोड शो और कार्यकर्ताओं में बैठक के साथ बैठक करना, सभी कार्यक्रमों में शामिल भी हो रहे हैं। उनका ये दौरा कल के दिन के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जी बिल्कुल अमृतांशी, बॉर्डर इलाकों में सियासी जो लहर की हम बात करते हैं उससे कितना फर्क पड़ता है, इसके साथ साथ बीजेपी की स्ट्रेटेजी और सीएम मोहन यादव का बीजेपी के स्टार प्रचारक की भूमिका निभाना, इससे मध्य प्रदेश की सियासत में कितना फर्क पड़ता है?
देखिए मध्य प्रदेश की सियासत और उत्तर प्रदेश की सियासत भले ही अलग हो, लेकिन जो वोटर्स हैं वो एक दूसरे को यहाँ पर बेहतर तरीके से जानते हैं, बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाता है। देखिए जो सपा ने अपना कैंडिडेट उतारा था, भले ही उनका नामांकन निरस्त हो गया, वो खजुराहो में उतारा था क्योंकि खजुराहो यूपी से सटा हुआ है। सपा को भी मालूम है कि जो बॉर्डर की सीटें हैं उन पर उनका थोड़ा बहुत प्रभाव रह सकता है, हालांकि वो कैंडिडेट का नामांकन निरस्त हो गया। अब बीजेपी का ये टेक्निक है, जो मध्य प्रदेश से लगे हुए बॉर्डर वाले इलाके हैं और जो एक चेहरा है मुख्यमंत्री मोहन यादव का बतौर जो उनको जो है मुख्यमंत्री बनाया गया, और उसके बाद उनके चेहरे को भुनाने की पूरी तरह से यहाँ पर कोशिश की जा रही है, और शायद यही वजह रही है कि मुख्यमंत्री बनने के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव का ये तीसरा या चौथा दौरा है जब वो जो है उत्तर प्रदेश पहुँच रहे हैं, क्योंकि वो स्टार प्रचारक भी हैं। देखिए कहीं ना कहीं बीजेपी अगर किसी को स्टार प्रचारक बनाती है या फिर किसी को कोई जिम्मेदारी देती है तो बहुत ही सोच समझ बिल्कुल, और इसे भी एक स्ट्रैटेजी के तौर पर देखा जा रहा है क्योंकि माहौल सियासी है। ऐसे में ये भी देखा जा रहा है कि एक नए चेहरे को मध्य प्रदेश के सियासत में एक बड़े मुकाम पर बीजेपी ने कैसे पहुंचाया, तो इसका भी फायदा लेने की कोशिश बीजेपी कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया, नजर बनाए रखिएगा अमृतांशी, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया।